दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फ्लॉप हुए यशस्वी, नहीं चला बटलर का बल्ला, फिर भी संजू के दम पर राजस्थान ने उड़ाई लखनऊ की धजिया। नवीन और मोहसिन की मेहनत पर फेरा है राजस्थान के रजवाड़ों ने पानी, तो आखिर कैसे टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद भी कप्तान संजू सैमसन के नेतृत्व में की राजस्थान ने वापसी? आखिर किस बल्लेबाज ने ठोक डाला सबसे तेज अर्धशतक? किस खिलाड़ी ने दिया कितने रनों का योगदान? संजू सैमसन ने बरसाए अपनी पारी में कितने चौके छक्के? आखिर लखनऊ के लिए किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? संजू और राहुल में कौन पड़ा है किस पर भारी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान है? कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, IPL का रोमांच अपनी सारी हदों को तोड़ चुका है। पहले तीन मुकाबले में तो कई बड़े बड़े जबरदस्त घमासान देखने को मिले और अब ये कारवां बढ़ चला है चौथे मुकाबले की ओर, जहां राजस्थान के रजवाड़ों के सामने खड़ी थी राहुल की लखनऊ सुपर जॉइंट्स की क्रिकेट टीम। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में सिक्का भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी करने का मन बनाया। इस जबरदस्त घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। राजस्थान की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जिनका नाम ही बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ से युवा मोहसिन खान पहले ओवर से ही उनके बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने इरादे से आए थे और उन्होंने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस गए थे और पहले ओवर में राजस्थान बड़ी मुश्किल से केवल 3 रन बना पाई थी। दोनों खिलाड़ी काफी मुसीबत में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों, इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं है। दूसरा ही ओवर लेकर आए नवीन उल हक का स्वागत ही जॉस बटलर ने मैदान को चीरते हुए एक बेहतरीन चौके से किया था। ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाकर गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। ऐसा लगा था कि आज बटलर की आंधी में पूरा लखनऊ उड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों, तभी होता है बहुत बड़ा पलटवार। नवीन उल हक ने ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि जॉस बटलर भी चारों खाने चित हो गए और नवीन की जादुई गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में चली गई। राजस्थान का पहला सिपाही ढेर हो चुका था, जहां जॉस बटलर 11 रन बनाकर वापस लौटे और 2 ओवर में 13 रन बनाकर ही राजस्थान ने अपना 1 विकेट गंवा दिया था। 3 नंबर के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन मैदान में कदम रख चुके थे। राजस्थान दबाव में आ रही थी, लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को देखकर तो ऐसा लगा जैसे विकेट गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लाजवाब फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर में भी मोहसिन खान की बेरहमी से कुटाई कर दी। पहले उनका स्वागत एक अच्छे चौके से ऑफसाइड में किया, तो अगली ही गेंद पर जब मोहसिन ने वापसी करनी चाहिए तब उस शॉर्ट बॉल को भी जायसवाल ने अपने खतरनाक अंदाज में कुछ इसी दिशा में चौके के लिए मारकर गेंदबाज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। 3 ओवर में राजस्थान ने 24 रन बना लिए थे। हालांकि दूसरी तरफ संजू सैमसन संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 4th ओवर में नवीन उल हक ने संजू को काफी परेशान किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल को रोक पाना लखनऊ के गेंदबाजों के बस की बात नहीं लग रही थी। 4th ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने नवीन उल हक को भी बाउंड्री के दर्शन कराए और अपने बल्ले की दहाड़ से लखनऊ के गेंदबाजों को रूबरू करवाया। ये युवा खिलाड़ी तो अभी से अपने बल्ले से आग उगल रहा था। उनको इतनी खतरनाक फॉर्म में देखकर संजू ने भी अपने गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। 5वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान का स्वागत ही संजू ने एक जबरदस्त चौके से करके अपने तेवर लखनऊ को दिखाने शुरू कर दिए थे। वहीं ओवर की 3री गेंद पर उन्होंने अपने पुल शॉट से बाउंसर बॉल को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट करके एल राहुल की सेना की हालत खराब कर दी थी। आखिर हो भी क्यों ना, राजस्थान की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उन्हें रोकने का प्लान भी राहुल की नजर में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने विकेट के पीछे एक जबरदस्त छक्का लगाया, जिनके उस शॉट ने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया था। ऐसा लगा था कि यशस्वी जायसवाल आज लखनऊ को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर लखनऊ जबरदस्त पलटवार करती है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मोहसिन खान ने ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यशस्वी कुणाल पांड्या को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जी हाँ, अभी पावर प्ले भी खत्म नहीं हुआ था और राजस्थान के दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे, जहां यशस्वी जायसवाल ने 12 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रनों का योगदान दिया। 5 ओवर में राजस्थान ने 49 रन बनाए थे। अब मैदान पर संजू सैमसन का साथ निभाने रियान पराग की जोड़ी आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर राजस्थान को 50 रनों के पार पहुंचाया। 6 ओवर में पावर प्ले में राजस्थान की टीम ने 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने के बाद तो रनों की रफ्तार काफी धीमी हो चली थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी। कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई के फर्क राजस्थान के लिए बड़ी चिंता
चिंता का सबब होती जा रही थी। 8 ओवर में राजस्थान केवल 63 रन बना पाई थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने गियर में बदलाव किया। हालांकि लखनऊ के गेंदबाजों ने भी बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान करना जारी रखा है, लेकिन हेटमार, जुरेल और संजू जैसे बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान की क्रिकेट टीम आसानी से 170 रन तो बना ही लेगी। और इसका पीछा करना लखनऊ के लिए इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यानी कि अंतिम गेंद तक चलने वाले इस मुकाबले में एक बार फिर रोमांच अपनी सारी हदों को तोड़ने वाला था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजस्थान और लखनऊ में कौन सी टीम प्लेऑफ में जाने की बड़ी दावेदार है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर रोमांचक मैच आज खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता की टीम को 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर रोक दिया। और इसका पीछा करने के लिए आई हैदराबाद की टीम लक्ष्य का पीछा करने में असमर्थ रही और 204 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई मैच को 4 रन से हार गई। इसके बाद आंद्रे रसल को 64 रन 2 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच बनाया गया। ऐसे में कोलकाता की जीत के बाद गौतम गंभीर ने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें कोलकाता के मेंटर गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि आज हमारी कोलकाता की टीम को जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आज कोलकाता की टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी तो देखने को नहीं मिली और ना ही सभी गेंदबाजों को बेहतर गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस मैच के अंदर खराब शुरुआत होने के बाद भी जिस प्रकार से आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, फील सॉल्ट और रिंकू सिंह ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया और स्कोर कार्ड को 200 पार ले जाने का काम किया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा हर्षित राणा, सुनील नारायण और आंद्रे रसेल की गेंदबाजी ने भी मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। इन सभी खिलाड़ियों के बिना कोलकाता की टीम का इस मैच में जीत हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में मेरे लिए सभी खिलाड़ी जीत के हीरो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, जिस प्रकार से हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जीत दर्ज की है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और अब बाकी टीमों को भी हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी टीम ने आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस दौरान हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को हमारे खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी टीम ने इस मैच में प्रेशर को हैंडल कर जीत हासिल की है। ऐसे में आने वाले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ हम जीत के साथ विराट कोहली को उसकी असली औकात भी दिखा देंगे, वहीं चेन्नई में जाकर महेंद्र सिंह धोनी को भी दिखा देंगे कि चेन्नई में सिर्फ चेन्नई की टीम को जीत नहीं मिल सकती, बल्कि हमारी टीम भी जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में चेन्नई और बेंगलुरु की टीम हमसे हार के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में कोलकाता की टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का तीसरा मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच कोलकाता के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है। दरअसल इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता की टीम को 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाने को बड़े किया और इसका पीछा करते हुए लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रहे। ऐसे में कोलकाता की टीम को शानदार जीत मिल गई, जिसमें जीत के असली हीरो आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह रहे हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 85 रन की साझेदारी की, पर आंद्रे रसेल ने 64 और रिंकू सिंह ने 23 रन का योगदान दिया। ऐसे में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह के बेहतर प्रदर्शन को देख दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम को इस मैच में रसेल और रिंकू सिंह ने दम पर जीत दिलाई है। दोनों ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंतिम समय पर तूफानी बल्लेबाजी किया, उसी के चलते कोलकाता की टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार किया और कोलकाता की टीम इस मैच को जीत गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से लगातार 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद रसेल और रिंकू सिंह ने अंतिम समय पर बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि इस टीम के शुरू में 4 विकेट गिर चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशान करते हुए पूरा मोमेंटम अपने पक्ष में हासिल किया, जिसके चलते इस मैच में उन्हें जीत मिली है। तो वहीं युवराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। हालांकि कोलकाता की टीम के 4 विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद रसेल और रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से अंतिम 5 ओवर में 85 रन की साझेदारी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी के चलते कोलकाता की टीम को इस मैच में जीत मिली है। अगर दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद 200 रन का आंकड़ा पार कर पाना भी कोलकाता के लिए मुश्किल होता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम इस मैच में कोलकाता की टीम के खिलाफ आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह के दम पर ही शर्मनाक हार का सामना करती हुई आज दिखाई दी है। तो वहीं सुरेश रैना ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम इस मैच में जीत गई है। कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिली है, उसके पीछे आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का कार्य नहीं करते और 200 रन का आंकड़ा पार नहीं करते तो इस मैच में हैदराबाद की टीम को जीत मिल जाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम के खिलाफ अगर रसेल और रिंकू का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता तो कोलकाता की टीम 150 रन पर ऑल आउट हो जाती, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर कोलकाता की टीम को हैदराबाद के लिए खिलाफ जीत मिली है।
तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के पास सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, लेकिन कोलकाता की टीम की फील्डिंग काफी ज्यादा खराब रही थी और उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाई। अंतिम समय पर छक्के और चौके की बारिश करते हुए अचानक से स्कोर कार्ड को 150 के बजाय 200 के पार पहुंचा। वो बताता है कि कोलकाता की टीम इस सीजन में क्या कुछ कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के लिए अगर रिंकू और रसल बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते